भाई साहब आगे का नजारा देखो यार। सही मैं बता रहा था कि अपने ज़माने में बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता था और यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ कांड होते रहते थे। बिल्कुल ही अलग लुक है यार इस जगह की, टोटली डिफरेंट। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वंस अगेन। आज मेरी राइड का करीबन 9वां या 10वां दिन है। एक्चुअली मैं 2 दिन से यहीं पे स्टे कर रखा था श्रीनगर के अंदर, कुछ ब्लॉग्स वगैरह अपडेट कर रहा था क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा काफ़ी अच्छी है, यहाँ से ब्लॉग इजीली अपडेट हो गए हैं। बाकी मैं मिलाता हूँ एक शख्स से जो कि आज मेरे साथ राइड करने वाले हैं। ये है कासिम भाई जो कि मोहसिन भाई के भाई हैं। और कहाँ कहाँ जाएंगे आप आज ये बताओ। आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स मतलब कोई प्लेस का नाम कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, दारा उसको बोलते हैं। दारा उसके साथ में 5-6 छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं वहाँ। ओके, तो आज थोड़ा सा लोकल को एक्सप्लोर करते हैं, बाकी शाम को हो सका तो डल लेक के आसपास भी थोड़ा सा घूमेंगे। और लाल चौक कितना दूर है यहाँ से? मतलब हाफ एन आवर ड्राइव है। आधा घंटा तो देखते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं तो अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अनसीन जम्मू एंड कश्मीर ये सफ़रनामा चल रहा है, मेरी राइड चल रही है। अगर आपने पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा। मतलब जम्मू का जो पार्ट था वो तो अल्टीमेट था ही, लेकिन ये जो कश्मीर होने वाला है भाई साहब, ये भी बहुत ही गजब का होने वाला है। तो चलिए फटाफट आज का जो दिन है वो शुरू करते हैं, और शुरू कर रहे हैं हम अल हमरा, ये जो आप देख रहे हैं पीछे होटल से। छोटे वाले ग्लव्स रूम में रहेगा, अब ये बड़े वाले पहनने पड़ेंगे। अपना जो होटल है वो थोड़ा सा दूर है डल लेक से, यानी कि 3 किलोमीटर के आसपास अंदर है, लेकिन ठीक है यार, 2000 रुपये में खाना भी है, पीना भी है और स्टे भी है, वरना तो 2500-3000 से नीचे मिलता नहीं है। वो देखो स्कूल के बच्चे कितने खुश हो रहे हैं बाइक को देख कर, स्कूल बस में से। ये कहाँ आ गए, गलियों में शॉर्टकट मुस्तफ़ा कॉलोनी। तो जी कश्मीर तो आप घूम लोगे, लेकिन जो लोकल के साथ आप घूमोगे ना तो वो ज्यादा चीजें आपको बता पाएगा। तो ये बता रहे कि सामने ही माउंट महादेव है। वो कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं नहीं, वो वी 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 एस। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला माउंट महादेव। वहाँ से भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं। अच्छा, पहलगाम भी जाते हैं। वो है दासीगाम नेशनल पार्क। दासीगाम नेशनल पार्क, दासीगाम। ये कितने दिन का ट्रैक है? ये 1-2 दिन का तो है। 1-2 दिन का है? अच्छा, ये पूरा ट्रैकिंग दिन था इसको। इन लाल झंडों पे और काले झंडों पे क्या लिखा होता है मुझे तो समझ नहीं आता है वैसे, लेकिन अगर आपको कभी समझ आए ये दिखता है तो भाई कमेंट करके बताइएगा मुझे कि क्या लिखा हुआ है इन पे। ये देखो इस पे भी लिखा हुआ है, जगह जगह कश्मीर में ये काले झंडे लगे होते हैं। ये देखो यहाँ पर भी हैं, काले हैं लाल हैं, सामने भी उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। मुझे उर्दू तो आती नहीं है ना, अपने को समझ आएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखो ये कौन सा झंडा है, अलग अलग तरीके के झंडे देखने को मिल रहे हैं। उधर टॉप में जाना है? नहीं टॉप नहीं है, मगर जहाँ पोल तक है। पोल दिख रहा है आपको? नहीं। ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ। ओ बादलों के अंदर जाना है? दिखता। अच्छा पूरा श्रीनगर दिखेगा, तो वही है दारा? ये सब दारा है। अच्छा दारा में ही आता पूरा, मतलब यार जगह तो ब्यूटीफुल है। ये देखो दारा, ओ क्या सही लग रहा है यार अल्टीमेट। ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पर। ओके टॉप में आ गए हम, रोड एंड हो गया यहाँ पर। तो जी यहाँ पर पहुँचे हम, ये यहाँ पर एंड पॉइंट है। सी नज़ारा ठीक ठाक सा है, और यहाँ से पूरा शहर, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, पूरा शहर दिखता है यहाँ पर श्रीनगर का, वो रही डल लेक। और आज है जुमा का दिन, यानी कि फ्राइडे है, तो ज़्यादातर जो जगह है वहाँ पर प्रेयर्स वगैरह चल रही हैं। हमारे कासिम भाई ये रहे, तो आज अभी हम कहाँ जा रहे हैं कासिम भाई, अब कहाँ जाएंगे? राइडिंग जैकेट पैंट शूज वगैरह सब कुछ पहन के। ये देखो पहले चप्पल में ही ऊपर गए थे,
लेकिन अब रेड कलर की जैकेट, शूज़, बढ़िया। यहाँ से है शायद 30 या 40 किलोमीटर के आसपास है गूगल डारा। ये मेरे ख्याल से आ गए डल लेक। अरे वाह क्या बात है। ये देखो भीड़ कितनी है यहाँ पर। गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है पीछे वाले शीशे पे बंदूक। अरे चचा जान कहाँ मुड़ रहे हो? ये मेन डाउनटाउन है। कासिम भाई बता रहे कि यही मेन डाउनटाउन है जहाँ पर कि भैया बड़े बड़े सीन हुआ करते थे पहले। ये वाला जो एरिया काफ़ी सेंसिटिव बोला जाता था और था भी, लोग आने में डरते थे यहाँ पर कि भाई साहब कुछ हो ना जाए। लेकिन अब पूरा का पूरा जो कश्मीर है ज़्यादातर वो सेफ़ है और रिकॉर्ड तोड़ 3-4 करोड़ टूरिस्ट आया है इस सीज़न। कुछ कराना है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सबसे बड़ा। अच्छा श्रीनगर का? ओके। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये देखो यहाँ पे भी बख्तरबंद गाड़ियाँ लगी हुई है। जैसा कि मैं बता रहा था कि अपने ज़माने में बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता था और यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ कांड होते रहते थे। और अच्छा यार पीसफुल एरिया ही अच्छा लगता है, टूरिस्ट भी आता है, वहाँ की डेवलपमेंट भी होती है जब पीस बरकरार रहती है और लोगों की भी जो तरक्की है ना वो भी ज़्यादा होती है। भाई साहब 2-2, 3-3 महीने तक बंद चलते थे यहाँ पर। ये सोचो लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती थी, दुकानें बंद, सारी चीज़ें ठप। अब देखो चारों तरफ ज़्यादातर खुशहाली है, सबकी दुकानें खुली हुई हैं, सब कमा खा रहे हैं, पीसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे ही सब कुछ डेवलप होता है, लेकिन ठीक है यार अब अच्छा कुछ हो रहा है कश्मीर में तो वो होना चाहिए, ना कि पिछली बातों को लेकर दिल पे बैठ जाओ कि भैया कश्मीर ऐसा है कश्मीर वैसा है। तो चेंज आ रहा है कश्मीर में, ऐसा नहीं है, पहले से काफ़ी बदल गया है। ये देख लो भाई श्रीनगर का इंटीरियर है ये पूरा। यहाँ पर कोई मस्जिद होगी। हाय साहब कहाँ इन गलियों के बीच में से जा रहा हूँ मैं। ये देखो ओल्ड श्रीनगर है ये शायद। मुझे लग रहा है आज कासिम भाई इंटीरियर पूरा घुमा देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मकान तो अबेंडेंड है, जैसे अपनी पुरानी दिल्ली है ना वहाँ पर पुराने पुराने मकान बने हुए हैं, वैसे ही ये वाला पूरा एरिया है। मोहम्मद शाहान, जगह कौन सी है जगह का नाम पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही इंटीरियर कश्मीर है। देखो कितना सही सही आर्किटेक्चर लग रहा है देखने में। घर बिल्कुल ही डिफरेंट है यार यहाँ पे। देखो ज़्यादातर आपको ईंटों के बने हुए मिलेंगे, देखो ऊपर पलस्तर नहीं है कुछ नहीं है, बिल्कुल ओल्ड जो ब्रिटिश लुक होती है ना वो वाली है। बाकी हम जा तो रहे थे किसी अच्छे से मीडियो पे, लेकिन भाई ने भाई ये जो चीज़ दिखाई ना अंदर से मज़ा आ गया देखकर। जगह का नाम नहीं पता चल रहा ये कौन सी जगह है, है तो श्रीनगर ही लेकिन मार्केट कौन सी है। बेमीना श्रीनगर ऐसी कुछ है। कानी कडाल, ये जगह है कानी कडाल। और सामने वाली जो मस्जिद है वो देखो बिल्कुल ही अलग लुक है यार इस जगह की, टोटली डिफरेंट। लेजेंड बुरहान, बुरहान के नाम से मुझे एक किस्सा याद आ गया। और अगर आपको मालूम हो कि भाई साहब बुरहान कौन था तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने टाइम का क्या बोलूँ अब मैं, तो जो भी था ये कैमरा उस साइड क्यों कर रखा है? मालिक ने लगाया। कोई नहीं, रीडिंग वगैरह चेक करते होंगे ना कि कस्टमर का कितना तेल गया कितना नहीं गया। शबीर अहमद वानी 1010 ना हो गया, चेक करो। तो यार वो सीरीज़ और वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि भाई उसी से ही एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ती है। तो एक शेयर ज़रूर करना, कहीं पर भी करना, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में करना, फेसबुक पर करना, कहीं पर भी करना, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना।
ये मार्केट है गुलमर्ग रोड। इसके पास वेज मिलेगा? वेज तो लग नहीं रहा, सारा नॉन वेज है शायद। है, मिल जाएगा। चलो, वैसे कश्मीरी वाजवान खा सकते हैं यहाँ पे, मिक्स मिलता है। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। ऊपर हमारा प्योर वेजिटेरियन। अच्छा, आ जाओ फिर, इधर ही बैठते हैं, यहाँ पे ठीक है। मुझे लगा मेरे ऊपर से पानी गिरा है, पूरा गीला हो गया ये भी। क्या हुआ? अच्छा, बारिश तेज हो गई क्या? थोड़ी देर ऊपर ज़्यादा काम थोड़ा सा ख़राब हो गया। क्यों? बारिश आ गई ना तेज। जाएंगे कैसे? चले जाएंगे। सो हम रुके हैं लंच करने के लिए, तो भाई कबाब मंगाए। ये कौन से हैं? मटन के कबाब। मनी मटन के तो हैं, लेकिन ये फेमस वाले ना, वाजवान। जी हाँ, वाजवान की, वाजवान कबाब प्राइम डिश है, प्राइम डिश। और ये राजमा मंगाए हैं, बाकी रोटी। बाकी ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा है नहीं, फटाफट ये खा के आगे बढ़ते हैं। ये 295 क्यों लिखा है? मूसे वाले का है। अच्छा, वैसे तो 390 है ये, मैं 295 क्यों लिखा हुआ है? तो ये पूरी कंट्री साइड है कश्मीर की, बीच बीच में से अंदर अंदर से हम जा रहे हैं। घर कितने सुंदर बने हुए हैं यार, अगली बार घर बनवाऊंगा ना ऐसे ही बनवाऊंगा। देख रहे हो पहाड़ियाँ, तो वहीं कहीं है गूगल डारा। ये देखो जी कहाँ पर आ गए हम, घूमते घुमाते श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में। वैसे तो मेरे को लगता है कि इस वाली जगह का नाम किसी ने भी सुना नहीं होगा, गूगल डारा करके भी कोई जगह है। तो ये वाला जो प्लेस है, ये हमारे इमरान भाई ने बताया कि यहाँ पर होके आ जाओ, हालांकि वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए। अब देखो भाई साहब कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, तो भाई बच्चे साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं। गूगल डारा कहाँ है? गूगल डारा। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। जहाँ पे ना मतलब कल फंक्शन है। अच्छा, अगर आप यूट्यूबर हो तो हमारा भी लाइव कर देना है। यहाँ पे ना राजपाल यादव आ रहे हैं कल। कल कल आ रहे हैं, तो आ सकते हैं यहाँ पे? हाँ, मोस्ट वेलकम सर। अच्छा, मतलब फंक्शन किस चीज़ का है? वैसे ये ना इसको मतलब टूरिज्म के लिए प्रायोरिटी देने के लिए हम करवा रहे हैं। ओके, आर्मी करवा रही है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं कैसे इनवाइट होऊंगा, मतलब कैसे आऊँगा? सर फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी के लिए इन्विटेशन है। सभी के लिए? तो कितने? दो दिन का प्रोग्राम है जहाँ पे 2700 रुपए का ऊपर जाता है। नहीं नहीं, फंक्शन कहाँ पे? ऊपर है नीचे? ऊपर है, ग्रीन पे चेक। बाइक तक, बाइक कहाँ जाएगा इतनी कीचड़ में? सर आप बाइक लेके जाए कोई चक्कर नहीं। अच्छा, क्योंकि जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ रहेंगी। हाँ हाँ, तो आप जा सकते हैं। पैदल जाना पड़ेगा ना? पैदल नहीं, गाड़ियाँ रहेंगी। अच्छा, 4x4। चलो ठीक, थैंक यू सर, कल मैं आता हूँ कोशिश करके, अगर मैं केरन नहीं गया तो। शायद केरन जाऊँगा मे बी। अच्छा, किरण सेक्टर, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं है, आर्मी का कुछ भी नहीं है इसमें। आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा है एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर, ये लिखा हुआ। एक्सट्रीम मोटो, हाँ। 9 लाख कुछ सब्सक्राइबर हैं। चलो करिए, फोटो खींच लो यहाँ पे। अरे सर इसी का बारिश होने लग गई ना, एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर ये ना। हाँ, फर्स्ट वाला। हाँ यही है। चलो सर, थैंक यू। अल्टीमेट प्लेस लग रहा है यार ये तो, यहाँ पे फोटोग्राफी अच्छी होगी, गजब। ये बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, बहुत कम लोगों ने इस जगह का नाम सुना होगा गूगल डारा। कभी सर्च करोगे तो शायद गूगल में आ भी जाए, लेकिन टूरिस्ट तो यहाँ पर आता नहीं है भाई। मॉडल विलेज बदरकोट टाइगर, जवान पे आ गया छोटू के, गजब लग रहा है यार ये जगह। छोटी सी जगह है लेकिन सुंदर है। कैमरा ऑफ करने का मन ही नहीं कर रहा भाई, ये देखो वो भाई चले जा रहा है, मस्ती में चले जा रहा है। ब्यूटीफुल राइड रही है यहाँ तक की, मज़ा आ गया भाई साहब। आगे का नज़ारा देखो यार, मैं बोल रहा हूँ जन्नत में एंट्री हो गई भैया हमारी है। ये अच्छा लग रहा है, ऊपर चढ़ा दे क्या बाइक? लेकिन कीचड़ हो रखी है पूरी। क्या हाल चाल? हाँ, अब सारे भाग गए, देखो जब ड्रोन उड़ रहा था तब तो सारे पास में आ रहे थे। क्या कर रहा भाई? बाइक में कुछ मत करियो भाई, देख बाइक बड़ी प्यारी है, हमें बाइक में पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है ना? ये देखो सारे बच्चे भाग रहे हैं। यहाँ पर लिया हमने एक प्यारा सा ड्रोन शॉट। मौसम यार भाई साहब बहुत कातिल हो चुका है, हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर दोबारा शुरू हो गई है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई
पहाड़ों पर बिछा हुआ है कारपेट, वो भी बादलों का। वही वाला जो सीन है ना, अभी दोबारा से स्टार्ट हो गया, बीच में बंद हो गया था, लेकिन यहाँ की जो ग्रीनरी है वो देख के भाई साहब दिल खुश हो गया। वारवान में मज़ा आया, जय वैली में मज़ा आया, मतलब जम्मू का जो पार्ट था वो तो अल्टीमेट था ही, लेकिन कश्मीर भाई साहब कश्मीर है। और बोलते हैं ना, बर रूहे घर फिरदौस, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, तो ऐसा ही कुछ है। और वो एक पोएम बोलो या फिर मुहावरा बोलो, जो भी था, लेकिन उसका मीनिंग होता है कि भाई अगर जन्नत कहीं पर है तो वो सिर्फ कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। और ये मैंने अपने सोनामर्ग वाले ब्लॉग में भी बोला था, उसमें तो 1.5-2 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। ड्रोन फुटेज आप देखो, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि कासिम भाई बता रहे हैं कि आगे का जो नज़ारा है ना वो और भी कातिल होने वाला है। तो कासिम भाई, हम दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं, रेशावारी टनमर्ग होते हुए जाएंगे। हमने एंट्री किसी दूसरे पॉइंट से ली थी, गुलमर्ग वाले से, और हम एग्जिट करेंगे टनमर्ग वाले से। वहाँ क्या चल रहा है भाई? वहाँ का तो सीन ही अलग है, फवारा सा चल रहा है। देखो उधर ऊपर 2-3 फवारे चल रहे हैं, लग रहा है कोई पाइपलाइन फट गई है उधर। तो अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं वापसी, वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ वगैरह लेंगे यार, क्योंकि फ़ोटोज़ हमने मिस कर दिए हैं। और ये फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिजी द वंडरर। तो भैया यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, बढ़िया बढ़िया स्टोरीज़ और पोस्ट में डाल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर कुछ एक फ़ोटोग्राफ लेते हैं हम, जगह बहुत प्यारी है, तो बनता है यार फ़ोटोग्राफ तो। तो भाई बिल्कुल रेकमेंडेड है गूगल डारा, ज़रूर आइएगा। गुलमर्ग से मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा पसंद आएगा, मैं तो सोचा था आसानी से निकल जाएंगे, ये तो गंदे वाला ऑफ रोड आ गया भाई, खतरनाक वाला। बाइक भी फुल लोड है, ऊपर से पानी बह रहा है यहाँ तो। ये कहाँ से लिया है कासिम भाई? तो ये देखो यार, यहाँ पे पत्थर है एक आगे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ओहो हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रखा है यहाँ पर। ओ ड्रुंग, तो ये जगह है ड्रुंग वाटरफॉल। विंटर्स में यहाँ का नज़ारा भाई एक नंबर होता है। वो देखो वहाँ पर डेंजर डेंजर लिखा हुआ है पत्थरों पे। तो कासिम भाई बता रहे हैं कि ये वाला जो डेंजर डेंजर लिखा हुआ है, दो लोगों ने सुसाइड कर लिया था यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर पत्थरों पर भी क्रॉस के साइन लगे हुए हैं, डेंजर लिखा हुआ है। और यहाँ पर डेंजर एहड डू नॉट क्रॉस द फेंस, लेकिन लोगों ने यहाँ पर फेंस तोड़ दी, अंदर जाते होंगे वीडियो वगैरह बनाने के लिए। बाकी ये जो जगह है मुझे नॉर्मल सी लगी, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। हाँ, विंटर्स के अंदर ये जगह पूरी फ्रोज़न वाटरफॉल जैसी दिखती है, मतलब चारों तरफ आपको लटके हुए साइकिल्स वगैरह नज़र आएंगे, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को लगता है। बाकी अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल नॉर्मल साइट है ये तंगमर्ग। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ तंगमर्ग देखा मैंने, उसके ऊपर लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा प्लेस लग रहा है। तो यहाँ पे घोड़े वाले थोड़ी जबरदस्ती करते होंगे। हाय दीपक भैया, बढ़िया भाई, आप कौन? अरे मैं आपको फॉलो करता हूँ। अरे क्या बात है, मैंने अभी देखी बाइक, मैं टाइगर तो भैया के पास ही है क्योंकि थोड़ी देर पहले लेमिनेट हुआ है। हाँ है ना। यहाँ पे कैसे? बस मैं घूमने आया था। अच्छा गुलमर्ग। हाँ ओके, कल ले निकल रहा हूँ मैं। कल लेने चल रहा हूँ गाड़ी से। मैंने कहा देखा, सही सही देखा, मैं ये फिर टंकी देखा, फिर मैंने आए भी आप। हाँ ये सेल्फी थोड़ी ना है, थोड़ा स्माइल भी कर दो, मतलब आप उसमें हो उदासी में, हम हंस रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलो यार अच्छा लगा मिलके। हाँ अभी कहाँ से आए? अभी हम गूगल डारा।
अच्छा लगता है ना जब कोई आपको पहचान लेता है रास्ते में, भाई साहब एक सेलिब्रिटी वाली फील आती है, मतलब कोने कोने में जाके लोग भाई साहब मिल जाते हैं कई बार तो, जैसे मुझे मरवा में मिला था भाई। यही प्यार है यार जो मुझे और भी अच्छा काम करने को प्रेरित करता है और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने को प्रेरित करता है। लेकिन कई बार यार मायूस हो जाता हूँ जब व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं। सपोर्ट करो, लेकिन लोगों को आजकल दिखावा ज़्यादा पसंद आता है मुझे लगता है, जो शायद मेरे में बहुत कम है। हेलो, मैं कह रहा हूँ आप कहाँ हो? मैं पहुँच गया, होटल पहुँच गया। हाँ वेट करता हूँ मैं आता हूँ एक मिनट। ओके।